नमस्कार मित्रों, कारवा भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत आपको लग रहा होगा। रात में हम कहाँ ही अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, रात नहीं हो रही, फिलहाल बजे सुबह के 4:30। हम लोग हैं देहरादून में और आज अपनी कैंपर वैन के साथ मतलब इस ट्रिप का अंतिम पड़ाव हम पूरा करने वाले हैं। निकल रहे हैं देहरादून से, हमें मतलब प्रोजेक्टेड तो है कि हमें जयपुर पहुंचना है। बहुत ही सही टाइम निकल रहे हैं जिससे कि देहरादून का ट्रैफिक ना मिले, हरिद्वार का ट्रैफिक ना मिले और फिर आगे मतलब जहां तक पहुंच पाएंगे, एंड तो हमें लगता है जयपुर जाना ही है हमें, पर डेस्टिनेशन किसने देखा है कि कहां तक पहुंचेंगे। सो जहां तक भी पहुंच पाएंगे आज निकलेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। जो भी करेंगे रास्ते में वो आपसे ज़रूर साझा करेंगे। इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस पूरी सीरीज़ का सॉरी ये लास्ट ब्लॉग है और लास्ट या सेकंड लास्ट कह सकते हैं। इसके बाद मैं सोचता हूँ एक ब्लॉग हम और बनाएंगे आपके लिए जिसमें इस पूरी सीरीज से जुड़े हम कैसे वैन लाइफ परस्यू करते हैं या फिर अन्य अन्य प्रश्न आपके दिमाग में हो सकते हैं, उन प्रश्नों के साथ हम शायद एक ब्लॉग और बनाएंगे और फिर इस सीरीज़ को करेंगे एंड। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग अपनी वैन लाइफ जर्नी के साथ देहरादून टू जयपुर। तो फिलहाल बज गए हैं सुबह के लगभग 8 और देखिए सुंदर सी जगह थी। अब सुंदर तो क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे हम आपको दिखा चुके हैं, पर फिलहाल हमने लिया है एक छोटा सा टी ब्रेक सा सुबह सुबह, क्योंकि जल्दी निकल गए थे तो कुछ खाया पिया तो था नहीं, तो लगा कि थोड़ी सी पेट पूजा ही कर ली जाए। सात्विक को हम जी बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट्स कुछ भी नहीं आ पा रहे, सारा हरिद्वार जो था वो राइट एंड साइड निकल गया, हमको शॉर्ट्स ले नहीं पाए। और फिलहाल मैडम बना रही हैं गर्मा गर्म कॉफी। दोस्तों कुछ प्रश्न जो मुझे लगता है आपके मन में सहज रूप में आते होंगे, उसमें से कुछ का मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं क्योंकि इस जर्नी में कोई बहुत ज्यादा नजारे से तो है नहीं जो हम आपको दिखाएं, सात्विक अवनी है नहीं जो मौज मस्ती हो। एक जो मुझे लगता है ये शायद आप सोचते होंगे कि लगभग ऑलमोस्ट 2 महीना लगातार हम इस कैंपर वैन में रहे, ऑन एंड ऑफ अगर हम किसी के घर भी गए तो भी कैंपर वैन में रहे, तो इस वैन में रहना कितना कंफर्टेबल हो पाता है। देखिए क्या है, हमारी जो कैंपर वैन है उसका स्पेस बहुत ही, क्योंकि ये ट्रक के चेसी पे बनी हुई है इसलिए इसका इंटरनल स्पेस बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है सेगमेंट्स का जो डिवीजन भी इसमें किया हुआ है, क्योंकि वॉशरूम भी ठीक ठाक साइज का है जब हम कैंपर वैन की बात कर रहे हैं। हमारी कैंपर वैन में स्टोरेज भी है, हमारी कैंपर वैन में वॉशिंग मशीन भी है जिससे कि कपड़े धोने में हमें असुविधा नहीं होती। ये हमारा जो पूरा स्पेस है लिविंग स्पेस की तरह, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता, कहीं भी ऐसा नहीं है कि स्पेस बहुत ही कम है तो आपको घुटन सी महसूस हो। ये सब चीजें मुझे लगती हैं हमारे जो कंफर्ट है, हमारा जो ट्रैवल है, जो भी जर्नी है हमारी, उसको बहुत सहज बनाती हैं, सरल बनाती हैं। शेष छोटी गाड़ी से अगर आप कार कैंपिंग से कंपेयर करें तो निश्चित तौर पे कैंपर वैन में इतना लंबा रुकने में कहीं भी ये महसूस नहीं होता कि अब थकान हो गई, अब तो इतने दिन हो गए तो अब हम कैसे ट्रैवल करेंगे इत्यादि इत्यादि इत्यादि।
दूसरा मुझे लगता है जो चीजें महत्वपूर्ण बनाती हैं आपकी ओवरलैंडिंग को या इतने लंबे स्टे को, वो है एटलीस्ट आपका किचन और वॉशरूम अंदर होना चाहिए। जिस गाड़ी में भी ये मैनेज हो पाता है, आप इसको मतलब अंदर इंस्टॉल कर पाए, तो मुझे लगता है आपकी मतलब हमारी जर्नी बहुत ही सहज। हमारी पिछली वाली गाड़ी में जो किचन था वो बाहर था, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो इसका किचन हमें बहुत ही कंफर्ट महसूस होता है एडवर्स क्लाइमेट में भी। और जैसे कि अभी हम बैठे, हमने कॉफी बनानी थी तो अंदर के अंदर कॉफी बन गई, नहीं तो एक्सटर्नल किचन खोलो, फिर आप एक्सपोज भी होते हो बाहर के एनवायरनमेंट में, हर जगह कंफर्टेबल भी नहीं होते। जैसे अभी हम सड़क के किनारे रुके हुए, तो फिर लोग आते हैं, रुकते हैं, देखते हैं, कई बार आप थोड़े से अपना कंफर्ट जोन लूज करते हो कि भाई प्राइवेसी आप थोड़ी सी लूज करते हो। इस प्रकार से अंदर हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट से हम थोड़े से कटे हुए होते हैं, जो मुझे लगता है एड ऑन है कैंपर वैन में। तो ऑल टुगेदर बहुत ही अच्छा ट्रिप हमारा ये रहा और आप सबके साथ हमने मिलकर इस ट्रिप को एंजॉय किया। ऑल्दो हम ट्रैवल कर रहे थे पर ना मन में क्यूरियोसिटी रहती, मतलब एक एक उत्साह रहता था कि जो भी हम महसूस कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करना है। ऐसे ही जो जो प्रश्न मुझे ऐसा लगेगा कि रास्ते में इन इन प्रश्नों का मुझे आपको उत्तर देना चाहिए, आगे बढ़ते बढ़ते बस आपसे कुछ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे और फिर पहुंचेंगे आज जयपुर। तो जी फिलहाल बजे हैं दिन के 12:30 और हमने एक छोटा सा हॉल्ट ले लिया था ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। अभी यहाँ से जयपुर बचा है ऑलमोस्ट आई थिंक 350 किलोमीटर। सो किस लिए हॉल्ट लिया ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, हमने स्नान इत्यादि अपना पूर्ण कर लिया और कैंपर वैन का ये फायदा होता ही है सही कि जब आपका घर आपके साथ है तो फिर किस बात की चिंता है। मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, मतलब जब तक मैडम ना आई तब तक मैंने रेस्ट कर लिया और फिर हम नहा के हो चुके हैं एकदम रेडी जी। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, 12:30 समय हो रहा है। बज गए हैं दिन के 2, पेट में कूद रहे हैं चूहे जिनका निवारण करना अत्यंत जरूरी है। तो हम चलते हैं, बनाते हैं कुछ खाने के लिए, खाते हैं फिर बढ़ते हैं। तो जी पता चल गया आपको कि हमारी पैंट्री में आज क्या बन रहा है, बन रहे हैं राष्ट्रीय अल्पाहार जो कि है पोहे। तो ये जी हमारा तैयार हो गया गर्मा गर्म पोहा, बस इसको ग्रहण करते हैं और बढ़ते हैं आगे। फिलहाल मित्रों बजे शाम के 7:30, हम जयपुर पहुंच चुके हैं। आज बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, रोड इतनी अच्छी थी, मतलब हमने फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे टू एक्सप्रेसवे ही ऑलमोस्ट सारा रास्ता कवर किया, तो बहुत ही फ्रेशन अप है। मतलब आपको लग रहा होगा सुबह 5 बजे के उठे हुए, एक हॉल्ट लिया था हमने रेस्ट के लिए और दूसरा हॉल्ट लिया था हमने भोजन के लिए, तीसरा हॉल्ट ले रहे हैं डीकैथ में अंदर जाकर, देखते हैं अगर कुछ, क्योंकि इस रोड से निकलना हमारा कम ही होता है, कुछ काम का मिलेगा तो लेंगे और फिर पहुंचते हैं बहन जी के। तो फिलहाल डीकैथ से लिया है शूज, जैकेट और कैप्स। चलिए जी, थैंक यू। ये पहुंच गए जी वापस कैंपर वैन पे। चलिए जी चलते हैं, आगे का सफर तय करते हैं। तो पहुंच गए जी हम बहन जी के, रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं।
चलते हैं ऊपर, मिलवाते हैं आपको सात्विक अवनी से। हाँ, फोन का चार्जर चलो देखेंगे, कल गाड़ी में कर लेंगे। नमस्कार जी। सात्विक, नई फ्रॉक ऐसा लग रहा है गर्मी की छुट्टी में मिल रही है। चलो चलो चलो। अरे यार इतना काम रहा था ना भाई। साथ में ये बंद कर दे। आज अम्मी की नई फ्रॉक आई है। नई फ्रॉक आई है। इसमें थोड़ी स्लिम भी लग रही है। आइए ना, आप अंदर क्यों नहीं आए? मुझे लगा आप अंदर बैठे हैं। तो जी सुबह हो चुकी है और आप ही की तरह हमारे एक YouTube के YouTube फैमिली के सदस्य हैं चंद्र प्रकाश जी, वो दिल्ली से इस बाइक पे सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। क्या बात है सर। सो नाइस, सो नाइस। आइए सर प्लीज। वाह, ये आप ORS रखते हैं? हाँ, राइड पे रखते हैं ना, क्योंकि ये राइड पे ना बहुत काम देता है। अच्छा, तो राइड पे क्या होती है, बाइक राइड में क्या होता है कि आगे पता नहीं कि कहाँ पे खाना खाएंगे जी, है ना, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा, मौसम भी अलग अलग तरह का होता है, तो मैं ये साथ में रखता हूँ। नहीं वैसे मैं बताऊँ तो बाइक राइड और कैंपर वैन में बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क है सर। इट इज लाइक लिविंग इन अ होम। ये तो आपके पास एक प्रॉपर घर है, बस ये है कि घर मूविंग है, पहिए लगे हैं उस पे, तो कहीं भी जाएं कहीं भी पार्क कर लें। सर मेरा वो मकसद नहीं है कि बस मुझे राइड करनी है, मेरा मकसद ये है कि मैं घूमना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ, और विद मतलब कंफर्टेबल तरीके से। अभी मेरे पास बाइक है जिसलिए मैं बाइक से कर रहा था जी। उसका अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब देखिए बाइक में भी हम ट्रैवल करते हैं, कैंपर वैन में भी हम ट्रैवल करते हैं। आपका प्रकार ये है कि आपका वो जो साधन है वो आपको सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है, शेष आपको आवास व्यवस्था भले ही आप टेंट में करें, मतलब सेल्फ खुद का टेंट हो या फिर कहीं होम स्टे ले, तो वो आपको ढूंढनी पड़ती है, करनी पड़ती है। इसमें आपका घर आपके साथ है, तो ये एक बहुत बड़ा एड ऑन है। और हमारे जितना बड़ा सेगमेंट, मतलब जैसे ट्रक पे बना हुआ, तो यू हैव एवरीथिंग जो एक घर में, छोटे घर में होती है। भाई वॉशरूम भी है आपके पास, किचन भी है, कपड़े धोने के लिए मशीन भी है, सो बिजली के लिए सोलर भी है, तो जो घर की कमी है वो कहीं महसूस नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा प्रोज है मतलब कैंपर वैन ट्रैवल का। तो अच्छा है, हम मतलब हम आशा करते हैं कि ईश्वर जल्दी आपको वो उतने संसाधन दे कि आप कैंपर वैन पे शिफ्ट हो पाए। तो चंद्र प्रकाश जी का एक यूट्यूब चैनल भी है, ACP व्लॉग्स है ना, व्लॉग्स, तो आप लोग जाइएगा, ज़रूर विज़िट करिएगा। मुझे पूरी आशा है कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ उस चैनल का, और नीचे फ्लैश भी हो रहा है, आप प्लीज़ जाके विज़िट ज़रूर करिएगा। जैसे सर आप ट्रेवल करते हैं ना, और काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, ज़िंदगी को जीते हैं, तो मैं आपकी जो आपका जो मतलब जो मैं आपको देख रहा हूँ इतने दिनों से, मैं उस चीज़ को एक कुछ पंक्तियों में बताना चाहता हूँ लोगों को। जैसे आपने कभी मतलब बर्फ में गया, आप कभी डेजर्ट में गए, आप कभी पहाड़ों में गए, आप कभी जंगलों में गए, तो सर के लिए मैं कुछ लाइन कहना चाहता हूँ सर की तरफ से। यह है, हमने भी जिंदगी में कई रंग देखे हैं, हमने भी जिंदगी में कई रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिशों के संग देखे हैं। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे लोगों के बदलते रंग देखे हैं। ये उस समय की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे, अपनी मायूसी का गीत दूसरों के सामने गाया करते थे। क्या बात, हमारी मायूसी को देख के अक्सर लोग हंसी उड़ाया करते थे, लेकिन अब तो लेकिन जिंदगी में एक नया मोड़ आया और हमने अपनी परेशानी को बताना ही छोड़ दिया। अब तो दूसरों के जिंदगी में भी खुशी का बीज बो देते हैं, अगर रोना भी पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये आपकी जो जर्नी है जो हमने देखा है यूट्यूब पे, इस पे फीडबैक दिया है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। ये पंक्तियां किन्हीं की हैं या स्वरचित हैं? सर मैं इसको शायद मतलब मैं खुद ही इसको लिखा हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। चलिए ठीक है सर। हाँ।
बहुत सारा सामान दे दिया ना तुम्हें। ये क्या लिया, मुरब्बा? देखो देखो साथ में किसे ले लेना, ये स्लीपर्स भी ले लेंगे। हाँ। हेलो हेलो, हाँ पापा प्रणाम, विवेक सर से मिलिए, इनका वीडियो देखते रहते हैं हम लोग टीवी पे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, हम बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? अच्छा तो है। अब आप हमें देखते हैं, अब आपको भी सब देख रहे हैं। जी। क्या बात है। बाकी स्वास्थ्य ठीक है, सब ठीक ठाक है? हाँ स्वास्थ्य तो ठीक है। अरे वाह, हम आएंगे तो जल्दी मिलेंगे आपसे। आइए आइए, शुभकामना है। आपको भी बहुत बहुत आनंद। वाह, सर का गाड़ी है पीछे में, मतलब इसी गाड़ी से घूमते हैं सर, इसी में रहते हैं। अच्छा, हम तो गाड़ी का। हाँ तो वही, इसलिए इसलिए आप इसलिए आपको बात करा रहे हैं ना, क्योंकि आप बराबर देखते हैं ना। चलिए भविष्य में होगा तो ऐसा ही गाड़ी लेंगे, घूमेंगे। एकदम एकदम एकदम, बहुत जल्दी ईश्वर बहुत ही जल्दी आपको एक चलता फिरता घर देगा। जी जी जी, चलिए ख्याल रखिएगा स्वास्थ्य का, मिलेंगे जल्दी। ठीक ठीक है जी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार जी। ठीक है, पता निकले से हम साहब। ठीक है जी, ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हैप्पी जर्नी। आपको भी हैप्पी जर्नी। आपको भी। आइए कभी मिथिला घूमने। बिल्कुल जरूर, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। ठीक है जी। चलिए जी, चंद्र प्रकाश जी को कर रहे हैं विदा, और हमारा कारवां भी यहाँ से आगे बढ़ने के लिए है एकदम तैयार। बोलो जय अम्बे माता की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो सारे देवताओं की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। सुबह सुबह हमने पुनः बच्चों के आते ही डांट खाना शुरू हो गया है। सबने पर्याप्त पेट भर गया या नहीं भरा? किसी का कोई डांट नहीं, फालतू की बातें मत करो। तुम्हारी आवाज देखो ना, ऐसे बेस बेस बना के कान एकदम ना झुमा गए। आपका गला मेरे अंदर तो आ नहीं देगा। मेरा गला, मेरा ही गला नहीं, तला तला। तुम क्यों अपना लगा दी मशीन की अलमारी? लगा दिया, लगा दी ऐसे नहीं बोला है मैंने, लगा दिया अपनी मशीन की अलमारी। ऐसे बोलो ना, ऐसे लगा दी अपनी, लगा दी अपनी मशीन। अब उनको ना डिस्ट्रैक्ट कर दो, है ना, कुछ काम मत करने। काम करो भाई, काम करो। तो दोस्तों मुझे लगता है ना, जीवन में चोंक झोंक भी ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में उत्साह भी बना रहता है, ऊर्जा भी बनी रहती है, और प्रेम भी बना रहता है। तो आपके अंदर भी ऐसा ही प्रेम बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग को एंड। हम अजमेर जब पहुँचे तो हमें घर का क्या दृश्य दिखा, ये आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।